दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर दिव्या अग्रवाल काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों दिव्या अग्रवाल को हाल ही में उनकी माताजी का लेटर मिला है, जिसे पढ़ने के बाद दिव्या अग्रवाल को अपने मम्मी पापा की याद सताने लगी और इसी के कारण दिव्या जोर जोर से रो रही है। दरअसल दोस्तों घर के अंदर एक टास्क चल रहा है जो कि घर के अगले बॉसमैन और बॉस लेडी के लिए है। इस टास्क के दौरान दोस्तों सबसे पहले राउंड में मिलिंद गाबा ने स्टेप्स को हासिल कर लिया था और इस पहले ही स्टेप पर दिव्या अग्रवाल के घर से आया हुआ लेटर बंधा हुआ था और मिलिंद गाबा ने बिना कुछ सोचे समझे वो लेटर दिव्या अग्रवाल को पकड़ा दिया और अब उस स्टेप को डस्टबिन में फेंक दिया। हालांकि दोस्तों एक बॉसमैन और बॉस लेडी का रोल कितना अहम होता है घर के अंदर ये तो हम सभी जानते हैं। इसी की बदौलत घर के अंदर एक हफ्ते और टिकने की गारंटी भी मिल जाती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मिलिंद गाबा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मिलिंद गाबा ने अपने बॉसमैन और बॉस लेडी का खिताब पाने की बजाय दिव्या अग्रवाल को पहले राउंड में उनके घर से आई हुई चिट्ठी पकड़ा डाली। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो मिलिंद गाबा ने यहाँ पर वाकई तारीफ के काबिल काम किया है, वरना दोस्तों हो सकता था कि उनकी जगह कोई और होता तो दिव्या अग्रवाल के घर के आए लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वो पहले बॉसमैन और बॉस लेडी का खिताब पाने यानी कि उस टास्क को जीतने के बारे में सोचता और लेटर को फाड़ कर फेंक देता। फिलहाल दोस्तों मिलिंद का यदि ये काम आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।